देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। सूबे की राजधानी लखनऊ में अब बदमाशों और दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्हें अब खाकी का भी डर नहीं रहा। अब बदमाश और दबंग पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों की भी बेखौफ धुनाई हो रही है। ताजा मामला लखनऊ के चिनहट कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बदमाशों ने पुलिस उप निरीक्षक और उनकी पत्नी के साथ पहले उनके घर के बाहर जमकर मारपीट की और इससे भी जब उनका दिल नहीं भरा तो उन्होंने दारोगा के घर में घुसकर उनको और उनके परिजनों को फिर पीटा। पीड़ित दारोगा का आरोप है कि बदमाशों ने उनके घर की महिलाओं से छेड़छाड़ और अभद्रता की। जिस दारोगा के साथ मारपीट की ये घटना हुई वो इस समय अलीगंज में बतौर सब इंस्पेक्टर तैनात है। दारोगा और उसका परिवार चिनहट कोतवाली क्षेत्र में रहता है। आज क्या मामला है जो आप यहाँ पर आए हुए हैं, पूरी एप्लीकेशन दिए? दरअसल हम यहीं श्रद्धा विहार में रहते हैं, वहाँ पर एक विक्की सिंह वीरेंद्र सिंह करके हैं और एक ज्योति हैं, ज्योति वर्मा करके हैं, उनके हस्बैंड हैं और एक राम सेवक गिरी हैं। इन लोगों ने हमसे जो है पैसा मांगा था नाली बनवाने के लिए 10,000 रुपये। मेरे द्वारा बताया गया कि नाली सरकारी बनेगी, चंदा लगा के आप लोग क्यों बनवा रहे हैं। दूसरी चीज़, मेरा आवास जो है वो सड़क पर है, उस नाली का हमें कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम पैसे क्यों दें। इसी से ये लोग नाराज़ थे और मेरा रैंप बन रहा था, उसमें इन लोगों ने हमारे खिलाफ़ जाकर के तहरीर दिया, जबकि हमारी इनकी कोई बात नहीं हुई थी। आज ये लोग एकजुट होकर के हमारे घर पर आए, कल प्रधान नाली बनवा रहे थे, उसको इन लोगों ने मना किया, उसका मैंने समर्थन किया था। अब ये लोग हमारी बात तो ये है कि चिनहट थाना अध्यक्ष बदमाशों को गिरफ्तार करने की जगह दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कवायद में जुट गए। जब थाना अध्यक्ष से इस बाबत जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्हें अभी कोई तहरीर नहीं मिली, जबकि पीड़ित पुलिस उप निरीक्षक का कहना है कि उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट के साथ चिनहट कोतवाली में नामजद तहरीर दी और अब वो आगे की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चिनहट कोतवाली के कोतवाल मीडिया को भी इस बाबत कोई जानकारी नहीं मिली। कोतवाल इस मामले में कार्रवाई करने की जगह मीडिया समेत पीड़ित पुलिस उप निरीक्षक और दूसरे पक्ष को भी गुमराह करने में जुट गए। के जाने तक थाने के बाहर दोनों पक्ष मौजूद थे और चिनहट कोतवाली के कोतवाल मामला मैनेज कराने में जुट गए। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता निखिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।